इसमें लड़ने वाली बात क्या है भाई? इसमें भी आप देखिए बहुत सारे जो है फ्रूट लगे हुए हैं। थोड़ा सा सामान लेके आया हूँ मैं, तो भाई बीवी रही है मुझसे लड़, तो जो अच्छा हो चलो लड़ी उससे लड़ी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू दिल्ली टू वैली होम। आज जो है भाई थोड़ी सी पौधों की जो है प्रोटेक्शन की जा रही है। ये देखिए दोस्तों, ये जो गोभी के फूल लगे हुए हैं ना यहाँ पे, मतलब गोभी के जो पत्ते लगे हुए हैं फूल गोभी के, तो इनमें जो है देखो कीड़े लग रहे हैं। ये देखिए ये छेद हो रखे ना पत्तों में, तो कीड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं भाई, जो चूल्हे की राख होती है ना वो इस पे छिड़कते हैं, तो इससे क्या होगा जो कीड़े जो है इनपे नहीं लगेंगे। तो मैं वो छिड़क रहा हूँ सब पौधों पे ताकि जो है ये खराब ना हो। हाँ नीम का पेड़ है अम्मी ये। हाँ तो निकाल लो, क्या करोगे नीम के पेड़ का? पत्ते काम आते हैं इसके दोस्तों। एक तो टूटा हुआ था ये, और आगे जाके जो है एक पेड़ जो है और टूट गया है। ये देखिए एक पेड़ और टूट गया है यहाँ पे ना। एक्चुअली में जो ये पेड़ है ना बूढ़े हो चुके हैं, मतलब ना बहुत पुराने पेड़ है ये वाला, तो देखो ऐसे टूट रहे हैं ये। इसमें भी आप देखिए बहुत सारे जो है फ्रूट लगे हुए हैं। ये सब तो देखो भाई खराब हो ही जाएंगे, मतलब ना ये तो पूरा ही टूट गया है पेड़, इसलिए नहीं बचेगा ये। दो बोल दे पुपी। गुड मॉर्निंग भाई, हमारा पुपी भी उठ गया है ना, हमारा पुपी भी उठ गया है, और ये सुबह सुबह ना पापा के साथ ही रहता है, किसी के पास नहीं जाता है, इसको पापा चाहिए है ना। इसकी दादी बुलारी पर ये जाएगा नहीं, ये नहीं जाता। ले आओ मैं पकड़ना चाहता हूँ, जाओ 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 दादी के पास जाओ जाओ। भाई त्रिशु ने जो है वो कचराना सीख लिया है, तो अब ये इधर उधर जाकर सामान गिरता रहता है। ये क्या चाहिए आपको? फोन लेने आ गए आप? फोन नहीं मिलेगा भाई, फोन तो नहीं मिलेगा आज दोस्तों। टैंकी में जो है ना एक ना पीवीसी पाइप का जो है कनेक्शन करना है यहाँ पे, क्योंकि जो है भाई यहाँ से जो नदी से जो हम पानी लेके आए हैं, जो पाइप लेके आए हुए हैं हम ना, उसमें जो है वो रबड़ की पाइप जो है टैंकी में फिक्स हो रखी है, तो भाई वो बार बार निकल जाती है। ये देखिए ऊपर जो है रबड़ की पाइप से जो है कनेक्शन हो रखा है ऊपर, पाई रुक जा पाई। तो भाई दोस्तों हम लेके आए ये पीवीसी की पाइप ना, तो पीवीसी पाइप से क्या होगा भाई, रबड़ की पाइप आगे से काट के इस पाइप से कनेक्शन देंगे टैंकी में, तो वो जो है वहाँ से जब ओवरफ्लो होगा ना तो पानी निकलेगा नहीं। तो आप भी जो है दिल्ली से आके या शहरों से आके जो है पहाड़ों में बसना चाहते हैं, और अगर आपको छोटे बड़े काम आते हैं जैसे प्लम्बिंग के, बिजली के कुछ काम है, छोटे बड़े घर के जो भी काम है जो घर पे कर सकें आप खुद, तो भाई वो आपके लिए ना बहुत हेल्पफुल होंगे। भाई मैं जो हूँ ना, मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से रहा हूँ, मैंने अपने पिताजी के साथ जो है काम किया है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें खुद कर लेता हूँ, मतलब मैकेनिकल वर्क है, वेल्डिंग हो गया या पाइपिंग का या बिजली का कुछ काम है, छोटे मोटे काम जो मैं खुद ही कर लेता हूँ, इससे जो है ना आप खुद को जो है बिजी भी रख पाएंगे यहाँ पे आके। फ्रेंड्स मई जून का चल रहा है मंथ, और भाई बहुत ज्यादा गर्मियां हो गई है शहरों में, और ऑल ओवर इंडिया से जो है तीर्थन वैली में जो है गेस्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों हमने भी अपना कर लिया है मेन्यू रिन्यू, हमने जो हमारा पुराना मेन्यू था उसमें जो है और कुछ एडिशन किया है, ताकि जो और गेस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ पे उनको हम अच्छे से सर्व कर पाए। और भी हमने ना मेन रोड पे भी जो है अपना एक कैफे का बोर्ड लगा रखा है, उसको तो उसको देख के भी जो है ना गेस्ट यहाँ पे नीचे उतर आते हैं, मतलब कई सारे गेस्ट जो जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं वो भी हमारे पास आ जाते हैं हमारे कैफे में। तो दोस्तों चलते हैं मार्केट, बहुत सारी चीजें लेके आनी है, मिल्क, ब्रेड, चीज और बहुत सारी चीजें लेके आनी है, पास्ता, चीज। तो चलते हैं हम भाई मार्केट और सामान ले आते हैं, क्योंकि शाम को जो है हमारे पास गेस्ट आने वाले हैं, और जून में भी जो है हमारे पास बहुत सारी बुकिंग्स हैं। गाइस हम पहुंच गए हैं मार्केट, बंजार की मार्केट, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे ना जो मेन शॉप है बंजार में, भाई यहीं से जो है ना सारे होटल को सप्लाई जाती है। नमस्ते भैया, हेलो। तो भैया हमारे चंदन भैया हैं। भाई बंजार में ना जितने भी होटल में सप्लाई है ना, बंजार, गुशैनी और मोस्ट ऑफ जीवी तक भी ना भैया ही सप्लाई करते हैं, मतलब ये देखिए यहाँ पे ना आपको सारा सामान मिल जाएगा। यहाँ पे भी सारा राशन जो है आटा चावल से लेकर कंफेक्शनरी की सारी चीजें से लेकर मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, और जितने भी फ्रोजन आइटम्स है ना वो भी रखते हैं भैया, जो स्नैक्स होते हैं और बाकी सब कुछ। तो चलते हैं भैया, भैया ने कर दिया हमारा सामान पैक, और फिर मिलेंगे भैया से। ठीक है भैया, बाय।
आज तो दोस्तों भाई हरियाणा की गाड़ियां बहुत नजर आ रही है मेरे को ना, मतलब हरियाणा से लगता है बहुत लोग आ रहे हैं आज भी। ऐसा क्या है आज भाई? सारा सामान हमने ले लिया है, बस थोड़ी सी जो है वेजिटेबल्स लेनी है, तो हम वेजिटेबल शॉप पे रुकेंगे और फिर चलेंगे घर की तरफ को। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? हेलो, बढ़िया। हेलो भैया, कैसे हैं आप भैया? आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आलू कैसे दी भैया? तो भाई अंकल आंटी भी आए यहाँ पे सब्जी लेने के लिए। नमस्ते आंटी जी। हाँ जी, हाँ जी, चलते हैं अभी। सब्जी भैया ने दे दी हमको भाई। यहाँ पे ना कल एक एक्सीडेंट हुआ है, और अंकल जी बता रहे हैं कि यहीं पास में एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे ना। हाँ, यहाँ साथ में हुआ है एक्सीडेंट। हाँ, यहाँ बता, वहाँ सामने देखी जो ट्रक आ रहे हैं ना, वहाँ पे वहाँ से दो गाड़ी जा रही थी, तो पास लेते वक्त जो है गाड़ी जो है नीचे को पलट गई यार। वहाँ पे बता रहे हैं कि दो तरफ से गाड़ियां आ रही थी, तो एक गाड़ी जो थी एमपी की जो गाड़ी थी वो भाई राइट साइड में नीचे गिर गई भाई खाई की तरफ को, और जो लेडीज थी वो खिड़की से बाहर को निकल गई और गाड़ी जो है उनके ऊपर पड़ गई, तो भाई डेथ हो गई यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये मोड़ आ रहा है ना, तो ऐसे पास लेते हुए गाड़ी पलट गई सामने। तो आपको भाई दोस्तों गाड़ी जो है ना पहले ही रोक लेनी चाहिए, मतलब ना जल्दी पहुंचने के चक्कर में ना कभी भी भाई ओवरटेक नहीं करना चाहिए, और कभी भी जो है मतलब ना स्पीड में जो है वो पास नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई देखो, कहीं भी आपने पहुंचना हो पर जान से इम्पोर्टेंट जो है कुछ नहीं हो सकता। अब बताइए वहां पे मतलब वो लोग घूमने आए थे और देखो कैसे एक्सीडेंट हो गया, मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा। ये हमेशा मुझे डांटती रहती है, मैं घर पहुंचा हूं अभी और भाई डांट पे डांट, बस ये क्यों किया, वो क्यों किया है, ये क्या कर दिया आपने। अब बोलो आप, अब बोलो आप, सबके सामने बोलो जरा, सबको पता लगना चाहिए ना। गड़बड़ तो आप ही करते हो। किस चीज की गड़बड़, क्या गड़बड़ करता हूँ बताओ। मैं भाई सारे जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं मैं क्या गड़बड़ करता हूँ। दोस्तों मैं सामान लेके पहुंचा हूँ घर पे, और भाई मैडम कह रही है कि भाई बड़े वाले फ्रिज में सामान डालेगा, ऑब्वियस ही बात है सामान रखना पड़ेगा, मई जून गेस्ट आ रहे हैं, तो भाई मुझे बोल रही है अभी सामान कहाँ जाएगा और ये वो, मतलब इसमें लड़ने वाली बात क्या है भाई? सामान आया तो रखना पड़ेगा ना, फ्रिज बड़ा फ्रिज इसे तो लिया था, तो इसमें लड़ने वाली बात क्या है बताओ मुझे आप। ये सामान कहाँ रखे, ये सामान कहाँ रखे, मतलब ये कह रहे हो आप? हाँ भाई पुप्पी, क्या कर रहे हो आप, खाना खा लिया आपने? हैं, मम्मू ने खा लिया? होगी तेरी मम्मू शांत या नहीं हुए भी बता दे। अभी बज रहे हैं 3, और अभी भी थोड़ी देर पहले जो है धूप निकली हुई थी, और अब देखो भाई ठंडा मौसम हो गया पूरा, और धूप नहीं रही यहाँ बिल्कुल भी। ये देखिए फ्रेंड्स, धूप बिल्कुल चली गई है और भाई ठंडा मौसम हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठीक है दोस्तों, भाई इतना सा सामान लेके आया हूँ मैं, तो भाई बीवी रही है मुझसे लड़, तो जो है मैं सारा सामान फिट करता हूँ मतलब ना फ्रिज में, और सारा सामान जो है इधर का वो ठीक करता हूँ मैं। वो जो है हमारे गेस्ट भी आने वाले हैं 7 बजे तक, तो भाई 3:30 बज गए हैं और मौसम भी गया अच्छा। प्लीज सब्सक्राइब और चैनल दिल टू वैली होम, और कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। चलो चलो रेडी, उससे रेडी।